देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस ने दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, दो बदमाश फरार। गिरफ्तार बदमाशों का नाम आशु और आश मोहम्मद बताया जा रहा है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में लगी गोलियां। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। हापुड़ जनपद के पिलखुवा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने के बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस दो अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे थे। जैसे ही पीड़ित द्वारा लूट की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस तुरंत बदमाशों के पीछे लग गई और पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एरिया में बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने खुद को गिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोलियां लगी हैं, जिसके बाद पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों से पिस्टल और एक i20 कार बरामद की है। वहीं इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से रियाज अहमद की रिपोर्ट। ये अभी 100 नंबर की सूचना प्राप्त हुई थी 5:15 बजे के आसपास के दिनेश नगर रोड पर किसी को लूट लिया गया। पीड़ित जो है थाने पर पहुंचा, थाने पर सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष स्वयं जो है SSI वगैरह सभी को लेकर के जो है घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद बदमाशों की तलाश की गई। बदमाश जो है जिस गाड़ी से जा रहे थे वो गाड़ी जो है बदमाश दूसरी लूट करने की फिराक में थे, तो अचानक उनसे जो है सामना हो गया। उनका रोकने का प्रयास किया तो बदमाश जो है पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने लगे। भागे फिर ये निजामपुर के हापुड़ की तरफ भागे। करीब ये 5 किलोमीटर पीछा करके उधर आए तो यूटर्न लेकर के फिर पिलखुवा की तरफ आए। पिलखुवा की तरफ आने के बाद पिलखुवा में फिर जो है SPDM टेक्सटाइल सिटी में अंदर घुस गए। वहाँ पर जो है इनको घेर लिया गया। तब तक जो है कंट्रोल रूम के द्वारा सभी चारों तरफ से जो है हमारी पिलखुवा की हाफिजपुर की सब जगह की पुलिस आ गई। इनको जो है इधर जंगल में घेर लिया गया। उसके बाद बदमाश गाड़ी छोड़ करके जंगल में घुस गए फायर करते हुए। और जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी है। SO को SSI को दोनों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, दोनों को जो है गोली लगी है। उनको भी SSI को भी और SO को भी। और दो बदमाश जो है जंगल में भाग गए हैं, उनकी तलाश की है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों को गिरफ्तार करने में सरसावा पुलिस को मिली सफलता। पकड़े गए बदमाशों का नाम दानिश, प्रशांत, विपिन बताया जा रहा है। पुलिस ने तीनों बदमाशों का चालान कर भेजा जेल। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर के सरसावा से संवाददाता अनिल सैनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में सरसावा पुलिस ने चोरी के माल का बंटवारा कर रहे 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बुधवार को किराना व्यापारी गौरव चाला की दुकान से हुई चोरी के सामान के साथ बनखेड़ी महादेव मंदिर में हुई चोरी का भी खुलासा किया है। पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों से मंदिर का दान पात्र, दुकान से चोरी रुपए और सामान चोरी सहित एक एक्टिवा सहित एक बाइक को भी बरामद किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी दानिश, प्रशांत, विपिन का पुलिस ने चालान कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के सरसावा से संवाददाता अनिल सैनी की रिपोर्ट। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल थानाध्यक्ष टीम के साथ संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग कर रहे थे। तभी सूचना पर पता लगा कि प्लॉट के पास, कस्बे में प्लॉट के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, एक बाइक और स्कूटी खड़ी हुई है। और जानकारी मिली कि उनके पास चोरी का कुछ सामान है। इस सूचना पर वो मौके पर पहुंचे, मौके पर तीनों को दबोचा गया। तो जब उनसे तस्दीक की गई तो पता लगा कि पिछले दिनों 25 तारीख में और ये बनखंडी मंदिर जो कस्बा सरसावा में है उसमें दान पात्रों की चोरी हुई थी, तथा सरस्वती विहार कलोनी है कस्बे के अंदर, वहाँ से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। वो दोनों मोटरसाइकिल और वो चोरी के सामान जो बनखंडी से दान पात्र चोरी हुए थे और कस्बे में जो नकबजनी की गई थी, वो सारे सामान जिसमें लगभग 10,000 रुपये के आसपास की नकदी और खरीद जिसमें सिक्के थे, नोट थे छोटे चिंता, वो सारे उनसे बरामद की गई। उन्होंने ये कबूल लगाया कि चोरी उनके द्वारा की गई। इस सूचना पर उनको गिरफ्तार किया गया और उचित धाराओं में उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया। आगे जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो